Chetan Hansraj, and you're on the sets of Bekabu, watching Peep Talks with Balaji Telefilms. So, my acting journey started from a long time, from the age of 5, but cutting it short, I went from acting, ads, to series, to movies. I took a break for like 1 year, and then I went into rap modeling, and from there, many years passed, about 7-8 years I did that, and then I straight away came to Balaji Telefilms, and it's been 20 years I've been here, and I've done over 20-25 shows with Balaji, so, and overall I've done about 56 shows, so yeah, it's going great. इस शो में मैं ही एक सिर्फ इंसान हूँ, बाकी सब शैतान, हैवान, डायन, राक्षसनीज हैं. तो मैं ही एक नॉर्मल इंसान हूँ, और जो जिसकी वाइफ एक राक्षसनी है, और उसने काइंड ऑफ वो होप गिव अप कर दी है कि कभी भी वो उसे खा के मार सकती है. तो थोड़ा सा फनी कैरेक्टर अपने लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेता है, और उसकी वाइफ जो कहती है उसे करना पड़ता है वरना कच्चा चबा जाएगी. एक ऐसा सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता, लेकिन है इस कैरेक्टर के बारे में एक सीक्रेट है जो इन द कमिंग एपिसोड्स आई थिंक दे विल रिवील इट. आई थिंक मे बी आफ्टर 20th एपिसोड दे विल रिवील समथिंग. जस्ट दैट ऑनेस्टली दिस सेट इज अमेजिंग, बिकॉज जैसे मैंने ज्वाइन किया ये शो, उसके पहले कुछ दिनों पहले रंजन जी शो में आ गए. तो दिस इज द सिक्स्थ शो आई एम डूइंग, द सेम प्रोडक्शन नॉन स्टॉप, लाइक द सेम प्रोडक्शन है, द सेम डायरेक्टर, द सेम क्रिएटर, सो एवरीवन इज कमिंग टुगेदर द सिक्स्थ टाइम अगेन. सो दिस टाइम विल बी मैजिक अगेन. फेवरेट सेलिब्रिटीज और टीवी स्टार्स के बारे में जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू बालाजी टेलीफिल्म्स एंड कीप वॉचिंग पीप टॉक्स.